तहरीक इंसाफ की विकटें गिनने की तादाद 50 से तजावुज कर गई। मजमूई तौर पर 70 के करीब साबिक अरकान पार्लियामेंट ने कप्तान को खुदा हाफिज कह दिया। चंद दिनों में साबिक गवर्नर, 8 वफाकी वुजरा और 10 सूबाई वुजरा पीटीआई को छोड़ गए। 22 एमएनए, 27 एमपीस समेत 2 सेनेटर्स ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली। फवाद चौधरी, अली जैदी और आमिर कयानी जैसे पुराने खिलाड़ी भी कप्तान के साथ न रहे। मजीद तफसीलात बताएंगे लियाकत अली, बताइए। अभी बिल्कुल तहरीक इंसाफ की सियासी तौर पर विकटें गिनने का सिलसिला जारी है और तकरीबन 70 के करीब साबिक अरकान पार्लियामेंट, साबिक वफाकी वुजरा, साबिक सूबाई वुजरा और साबिक अरकान पार्लियामेंट जो है वो अब तक पीटीआई को छोड़ चुके हैं, जिनमें नुमाया नामों में अगर बात की जाए तो फवाद चौधरी, अली हैदर जैदी, शीरी मजारी, आमिर कयानी जैसे पुराने खिलाड़ी भी कप्तान के साथ नहीं रहे। सैनिटर सैफुल्ला नियाज़ी, साबिक गवर्नर सिंह, इमरान हुसैन ने भी कप्तान को खिलाफ कहा। इसी तरह महमूद मौलवी, साबिक एमएनए आमद महमूद कियानी, साबिक वफाकी की मलक अमीन असलम और इस तरह बहुत सारे जो है वो अरकान पार्लियामेंट जो है वो इमरान खान को खुदा हाफिज कह गया। अगर तादाद की बात की जाए तो सबसे तो ये तजावज कर चुकी है, जिसमें साबिक 8 वफाकी वुजरा शामिल है, 1 साबिक गवर्नर शामिल है, 10 साबिक सूबाई वुजरा शामिल है और 22 मेंबरान कौमी साबिक शामिल है और 27 मेंबरान सूबाई साबिक भी शामिल है, सेनेटर भी इसमें शामिल है। तो मजमूई तौर पर जो है इमरान खान की पॉलिसियों के माइक जो है वो पीछे के अरकान जो है वो इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं और बिल्कुल जो 9 मई का वाक्य पेश आया था उसमें क्यादत पर जिम्मेदारी आयद करते हुए इस वाक्य की जो है वो पीछे के ये अरकान साबिक पार्लियामेंट, साबिक अरकान पार्लियामेंट, साबिक वफाकी वगैरह पीछे के अलग हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत।